जिला कांगड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैसा के ग्रामीणों ने जेल में सजा काट रहे विवादित बाबा रामपाल का सत्संग नहीं होने दिया। इस दौरान बाबा रामपाल के अनुयायियों में हल्का टकराव भी हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने बाबा के अनुयायी को गिरफ्तार करके माहौल को शांत किया। बता दें कि इलाके के सैकड़ों लोगों ने पहले रामपाल का सत्संग करने वाले व्यक्ति चूड़ सिंह को समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो लोगों ने रामपाल के पोस्टरों को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि शनिवार को ग्रामीणों ने रामपाल का पुतला जलाकर प्रशासन को पहले ही सतर्क कर दिया था कि यहां सत्संग हुआ तो स्थिति भयंकर रूप ले सकती है। इसके बावजूद भी रविवार को पुलिस की मौजूदगी गैर मौजूदगी में सत्संग करवाने की कोशिश की गई, जबकि सत्संग करने की अनुमति भी नहीं ली गई थी, जिस पर ग्राम पंचायत के ग्रामीण ने इकट्ठा होकर बाबा अनुयायी चूड़ सिंह से सत्संग बंद करने का लेकर आपस में काफ़ी देर बातचीत करते रहे, लेकिन चूड़ सिंह ने सुषमा देवी पत्नी जोगिंदर पर हाथ उठा दिया। इतने में माहौल गर्म हो गया और ग्रामीणों ने सत्संग घर में लगे रामपाल के सभी पोस्टर व फोटो उखाड़ दिए व नारेबाजी करने लगे और बाबा रामपाल के पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि देशद्रोही बाबा रामपाल का सत्संग इलाके में कहीं भी नहीं होने देंगे। विश्व हिंदू परिषद के देहरा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि रामपाल के अनुयायी सत्संग करने जा रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भी उनको अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सत्संग को जबरन करवाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने रामपाल के अनुयायियों का कहा कि जो व्यक्ति आरोपों के घेरे में है, ऐसे लोगों के सत्संग नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। DSP देहरा रणधीर सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि पैसा में बाबा रामपाल का कोई अनुयायी रामपाल के नाम पर सत्संग करने जा रहा है, लेकिन SDM कार्यालय व पुलिस विभाग से कोई भी इस तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने भी सत्संग का विरोध किया। उसके बाद जब स्थिति तनावपूर्ण हुई तो चूड़ सिंह को पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से गिरफ्तार कर लिया। पैसा में रामपाल के अनुयायी जो हैं वो एक सत्संग यहाँ पे आयोजित कर रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है और प्रशासन ने भी उनको अनुमति नहीं दी थी और वो जबरन उसको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा तो उन स्थानीय जो रामपाल के जो उनके अनुयायी हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया जब रामपाल आरोपों के घेरे में है और उनके विरुद्ध जो है वो गहन जांच जो है वो न्यायालय में चल रही है और वो कारावास में हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आप यहाँ पर समाज में अगर उसका सत्संग करवाते हैं तो समाज में जो है वो आपस में जो है वो एक सौहार्द जो है बिगड़ेगा। इसलिए कृपया जब तक आपके जो आप जिनको मानते हैं वो अगर न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर अगर पाक साफ होके आते हैं तो आप उनका करवाइए, लेकिन अगर आज वो शक के घेरे में है, आरोप हैं उन पर लगे हुए हैं और उन्होंने उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, उन्होंने जो है जिस प्रकार से अपने अड्डे को जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, अपने डेरे को जिस प्रकार से अड्डे की तरह इस्तेमाल किया और सरकार के फैसले को ना मानते हुए उन्होंने गिरफ्तारी जब नहीं दी थी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हमें अपने धर्म के अनुसार जो है अपनी जीवन का जो है यापन करना चाहिए, ना कि इन बाबाओं के ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ के जो आपका मार्गदर्शन ना करके बल्कि अपने लिए धन संपदा इकट्ठी करते हैं और अपनी एक फौज बनाकर आपको अपनी सैनिकों की तरह लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे आप बचिए और अगर आप इस सौहार्द को बनाए रखेंगे तो वो बेहतर है। कि पैसा में जो है बाबा रामपाल का कोई फॉलोवर है, वो जो है बाबा रामपाल का के नाम से सत्संग करना चाहता है और बाहर से कोई लोग आएंगे बाबा रामपाल को मानने वाले जो सत्संग करने जा रहे हैं ये जो रविवार के दिन, तो उसके लिए SDM साहब से कोई परमिशन नहीं थी, ना तो कोई पुलिस विभाग से कोई परमिशन थी उसके पास, तो उसको गांव वाले उसका विरोध कर रहे थे, तो हमने भी उसको बुला के SDM साहब के पेश किया था शनिवार को शाम के टाइम की इस तरह का कोई भी सत्संग नहीं होना चाहिए।
तो उसने माना था कि नहीं मैं नहीं करूँगा कोई भी सत्संग। उसके लिए एसडीएम साहब ने उसको कोई लिखित रूप से भी वो दिया था कि नहीं कोई सत्संग नहीं होना चाहिए, और उसने माना था, पुलिस को लिखित रूप से दिया था कि कोई सत्संग नहीं होगा। परंतु फिर भी शनिवार एतवार के दिन रविवार के दिन कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए और स्थिति थोड़ी सी ख़राब होने वाली थी, जिस पर जो हमने प्रिवेंटिव मेजर के तहत उसको जो है अरेस्ट कर लिया और थाने में ले आए, और फिर उसके बाद माहौल जो है शांतिपूर्वक हो गया।